सभी भाइयों को सुरेंद्र सन सनीवाल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। आज हम आपको जो सबसे ज़्यादा बड़े अड्डर की भैंसे हैं और अच्छे दूध की भैंसे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें हमने टाइटल तो टॉप फाइव का दिया है, लेकिन दो तीन भैंसे और भी थी जिनको हम छोड़ नहीं पाए, तो इनमें से मैं पहला, दूसरा, तीसरा नंबर किसी भी पशु को नहीं दे रहा हूँ। सभी जो पशु हैं वो टॉप से टॉप के हैं और इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है कि 19-20 का थोड़ा बहुत सभी एनिमल्स में फर्क है, लेकिन एक दो पशु इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, वो भी आपको अलग से ही दिखाई दे जाएंगे वीडियो में। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। जो सबसे बड़े अड्डर की भैंसे हैं हमारे इंडिया में, हमारे हरियाणा पंजाब में, वो भैंसे मैं आपको दिखाऊंगा जो अपने चैनल पर भी आ चुकी हैं पहले। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। जो भाई हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसके साथ ही जो भाई फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारा जो पेज है उसको ज़रूर लाइक कीजिए ताकि जो भी हम नई वीडियो फ़ोटो लेके आएँ उसकी आपको जानकारी मिलती रहे। तो इसके साथ ही काफ़ी मेहनत करके हम आप तक ये वीडियोज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आपका भी थोड़ा फ़र्ज ये बनता है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक ये वीडियोज़ पहुंच सकें, उनको भी अच्छे अच्छे एनिमल्स, अच्छे अच्छे पशु देखने को मिले और जो हमारी मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक पहुँच सके। तो आप इनको शेयर भी ज़रूर कीजिए। आगे देखिए जो पशु हमने यहाँ सेलेक्ट किए हैं, एक एक करके मैं सभी पशु आपको दिखाऊँगा। इसमें सबसे पहले जो मैं आपको भैंस दिखाऊंगा वो गोलू भाई की है। ये जो गोलू, जिसकी हमने दो तीन दिन पहले वीडियो भी दिखाई है, गोलू अहलावत जो खरकड़ा गांव के हैं महम के पास, और काफ़ी अच्छी भैंस है। तीसरी बार बच्चा देने वाली थी उस टाइम हमने ये वीडियो बनाई थी और 24 किलो दूध तक भैंस इस ब्यांत में देगी, तो काफ़ी शानदार भैंस, बहुत ही अच्छी, बढ़िया अड्डर की, खुले अड्डर की और चारों थन अलग अलग और बहुत ही बड़ी ऑर्डर का साइज़ है। बिल्कुल जेड ब्लैक और थोड़ी सी पूंछ वाइट है भैंस की, बाकी कोई कमी नहीं है भैंस में। तो ये भैंस जो है मैं आपको, बहुत ही शानदार भैंस है, बढ़िया ऑर्डर की भैंस है। तो ये देखिए जो सामने वीडियो में आपको दिखाई दे रही है, बहुत ही शांत और शरीफ भैंस है। ऑर्डर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। कमेंट्स में भी जानना चाहूँगा मैं सभी भाइयों से कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी भैंस आई। तो सबसे पहले गोलू की भैंस, इसके बाद जो भैंस मैं आपको दिखाऊंगा वो मनदीप भाई हैं तालू से, उनकी ये भैंस है और काफ़ी अच्छी भैंस है। एक वीडियो जो इसकी भैंस के फेसबुक पे चली थी, एक बड़ी सी कोठी के आगे ये जा रही थी, उस टाइम ये ब्याने से पहले की वीडियो थी, तो वो काफ़ी वीडियो चली थी। बहुत सारे भाई कह रहे थे ये पाकिस्तान की वीडियो है, लेकिन वो पंजाब में बनाई गई थी वीडियो। तो ये जो दूसरे नंबर पर जो मैं भैंस दिखाऊँगा ये मनदीप भाई की है, तालू गांव के हैं और इसकी वीडियो भी काफ़ी चली है अपने चैनल पे और बहुत ही अच्छी भैंस है, बढ़िया क्वालिटी की भैंस है। थोड़ा साइज छोटा है लेकिन जो अड्डर की क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया। ये जो सामने आपको जो अड्डर दिखाई दे रहा है ये तो मैं कहूँगा बहुत ही छोटा अड्डर है इसका देखने में अभी, लेकिन जो पूरा जो जब ये पीक पे आती है तब बहुत ही बड़ा अड्डर बनाती है। ब्याने से पहले इसकी वीडियो इस बार हम भी कोशिश करेंगे बनाने की, और काफ़ी शानदार भैंस है मनदीप भाई की, मनदीप तालू से हैं और बहुत ही बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की भैंस है। दूध की भी बहुत बढ़िया है, मनदीप भाई के पास है ये गाँव, खेतों में इन्होंने डेयरी फार्म कर रखा है, इसकी हमने पहले भी आपको वीडियो दिखाई है। तो मनदीप भाई की भैंस बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया ऑर्डर की आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रही है, छोटे साइज की, ऊंचाई कम है, लेकिन भैंस का जो ऑर्डर की क्वालिटी है, थनों की क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। अभी जो मैं आपको भैंस दिखाऊंगा ये कोच साहब की भैंस है, उमरा गाँव के हैं, कोच साहब स्कूल भी इनका जो स्पोर्ट्स स्कूल है बहुत ही शानदार काम कर रहा है और इतने मेडल मेरे ख्याल से हरियाणा के किसी स्कूल में आए होंगे जो इनके स्कूल में आ रहे हैं, स्पोर्ट्स में, कुश्ती में, बॉक्सिंग में, बहुत ही शानदार। मैं उसके ऊपर भी कभी ना कभी आपको एक वीडियो अलग से दिखाऊंगा कि पशुपालन के साथ साथ कोच साहब स्पोर्ट्स का भी काम कर रहे हैं। तो ये देखिए सामने जो आपको जोटी दिखाई दे रही है ये भी 26-23 किलो दूध देने वाली जोटी, बहुत ही शांत और शरीफ, बहुत अच्छी जोटी है और अड्डर का साइज बहुत बड़ा, बहुत बड़े अड्डर की जोटी है, बहुत ही शानदार जोटी है। और कोच साहब का पशु, जो पशु हैं कोच साहब के पास काफ़ी हैं
और लगभग 100 के तकरीबन इनके पास पशु हैं। शेरू नाम का जो जोटा था वो भी इन्हीं के पास था, और वो भी काफ़ी अच्छा जोटा था, उसकी कटड़ियाँ भी काफ़ी अच्छे दूध की आई हैं। तो इस कैटेगरी में मैं कोच साहब की जोटी जो कि बहुत ही शानदार है, इसमें मैं नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ, जो 1, 2, 3 जो भी मैं कर रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि मैं लास्ट में आपको इतनी शानदार भैंस दिखाऊँ जो दूध में भी और अड्र की क्वालिटी में भी, ब्यूटी में भी वो सिरे पे है। तो आप इसमें ये नंबरिंग ना सोचे कि मैं पहले नंबर पे कौन सी दिखाई है या लास्ट में कौन सी दिखाई है, सभी भैंसें टॉप से टॉप क्वालिटी की हैं, बढ़िया अडर की भैंस है। मेन जो फोकस है आज वो अडर का है, दूध का नहीं है। दूध कितना दे रही है ना, तो मैंने इनका दूध रिकॉर्ड किया है किसी भी भैंस का, लेकिन जो अडर की क्वालिटी है, थनों की क्वालिटी है, जो साइज है अडर का, वो बहुत ही शानदार। तो आप देखें इंडिया में, हमारे हरियाणा पंजाब में कितने अच्छे अच्छे पशु हैं और टॉप क्वालिटी के एनिमल्स हैं। तो ये कोच साहब की जो धोटी है बहुत ही बढ़िया, 26-27 किलो दूध तक, जब हमने इसकी वीडियो बनाई थी कोच साहब कह रहे थे कि ये देगी, बाद में रिकॉर्ड हम दूध नहीं कर पाए, लेकिन जो अडर की क्वालिटी है जोटी की, जो साइज है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइज है, और बहुत ही शानदार जोटी है, बहुत बढ़िया। इसमें एक जो जो भैंस है मैं और लेना चाहूँगा, ने अगले अगली जो भैंस है वो पवन भाई की है, कुंगड़ से, जो 3 थनों वाली भैंस है पवन भाई के पास, बहुत ही बढ़िया। जो इसकी पेडिग्री लाइन है, जो इसके कटड़ियाँ आई हैं दूध की, बहुत ही अच्छी आई हैं और अच्छे अडर की आई हैं। तो ये भैंस भी जो अगर इसका थन खराब नहीं हुआ होता तो मैं कहूँगा ये भी 26-27 किलो दूध तक, 3 थनों में पवन भाई के यहाँ 21 किलो दूध इस भैंस ने दिया है। इसकी जो कटड़ियाँ आई हैं वो भी 24-25 किलो दूध की आई हैं, और बहुत ही शानदार भैंस है। साइज जो है भैंस का बहुत बढ़िया, जो मुर्रा के करेक्टर्स हैं सारे के सारे करेक्टर्स लिए हुए हैं भैंस, और बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया भैंस है, शानदार क्वालिटी की। अडर का साइज़ देखिए आप, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये कहेंगे हम कि आपको बहुत ही कम इससे ज़्यादा बड़े अडर की भैंसें देखने को मिलेंगी, बहुत ही शानदार। तो ये भैंस जो है पवन भाई के पास काफ़ी सालों से है, इसके कटड़े कटड़ियाँ भी इन्होंने काफ़ी सेल किए हैं, और अभी भी एक कटड़ा जो इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी वो भी काफ़ी लगभग 25 मिलियन के आसपास वो वीडियो जा चुकी है, और बहुत ही शानदार। मैं कहूँगा भैंसों में सबसे ज़्यादा चलने वाली कोई, अगर एनिमल्स की कोई सबसे ज़्यादा चलने वाली वीडियो है जो हमारे जैसे भाई डेयरी फार्म करने वाले जो जो वीडियो बना रहे हैं, तो उस वीडियो से ज़्यादा कोई नहीं चली। बहुत ही शानदार भैंस, अच्छी क्वालिटी की, टॉप की मैं कहूँगा हरियाणा पंजाब इंडिया की टॉप की भैंसों में ये भैंस गिनी जाएगी। और अडर की थन की क्वालिटी जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अडर आज हमारा मेन फोकस अडर पे है, तो यहाँ ये जो भैंस है पवन भाई की बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, और दूध में और पेडिग्री लाइन जो इसके आगे जो ये गुण लेके जाती है, अपने गुण लेके जाती है, गुण लेके जाती है अपने बच्चों में, वो बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत सारे पशु अपने गुण आगे लेके नहीं जाते आने वाले अगली पीढ़ी में, लेकिन इस भैंस की जो कटड़ियाँ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दूध की निकली हैं। अभी इससे आगे जो मैं आपको भैंस दिखाऊँगा वो बहुत ही शानदार और बहुत अच्छी भैंस, जिसको हमने घर से लगभग 400 किलोमीटर जाके शूट किया था, ये अमृतसर में है भाई साहब। इनकी जो भैंस है बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार भैंस, अमृतसर के लगभग पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक ये भैंस थी और हमारे हरियाणा से गई थी। अडर की जो साइज है वो बहुत ही बड़ा, मैं कहूँगा इससे बड़े अडर की भैंस ना तो आपने कभी देखी होगी ना मैंने कभी देखी है। ये भैंस जब ब्याने से 2-3 दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी, मैं बहुत सारी वीडियोज़ में कहता हूँ जो अडर का पूरा साइज है वो, जब पशु को जो प्रसव पीड़ा होती है, जो ब्याते समय जो दर्द शुरू होते हैं उस टाइम पे, जब अडर का जो साइज बनता है उससे बड़ा साइज कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा अडर का। तो जब ये 2-3 दिन बाद बच्चा देती तो उस टाइम इसका साइज देखने लायक होता। तो इससे भी मैं कहूँगा जो ये ढीलापन आपको अडर में दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल ख़त्म होके बिल्कुल टाइट अडर हो जाता, और जो आपको दिखाई दे रहा है अडर उससे 1.5 गुना बड़ा अडर दिखाई देता उस टाइम पे। तो दिखाई तो मैंने ये शायद 4थे 5वें नंबर पे भैंस है, लेकिन मैं कहूँगा इससे बड़े अडर की भैंस नहीं होगी कोई भी ऑल ओवर इंडिया में, और बहुत बढ़िया। तो थनों की क्वालिटी भी बढ़िया, मेरे ख्याल से ये तीसरी बार बच्चा दे रही है, लेकिन जो थनों का साइज है वो बहुत बढ़िया है, थनों का गैप है वो बहुत बढ़िया है, और बहुत ही अच्छी भैंस है।
दूध भी 26-27 किलो तक देने की उम्मीद थी भाई साहब के पास, लेकिन शायद कोई बीमारी बीमार हो गई है ब्याने के बाद, इसलिए मैंने सुना था भाई ने फ़ोन करके बताया था, इसलिए दूध इसका रिकॉर्ड ना हमने कहा भाई को और ना उन्होंने करवाया। तो बहुत ही बढ़िया और बड़े अड्डर की भैंस, मैं कहूँगा दोबारा कहूँगा, आप सोचेंगे बार बार कह रहे हैं, इससे बड़े अड्डर की भैंस ना तो आपने कभी देखी होगी ना मैंने कभी देखी होगी। और अब जो जो भैंस मैं आपको दिखाऊंगा वो मैं कहूँगा पूरे हरियाणा पूरे इंडिया की शान है, ये सरस्वती भैंस जो सुखबीर भाई के पास है, बहुत ही शानदार भैंस और मैं कहूँगा बहुत ही अच्छे पशुपालक, बहुत ही पुराने ब्रीडर हैं, काफ़ी अच्छे पशु रखते हैं। भैंस का जो अड्डर का साइज़ है वो पैरों के बीच का थोड़ा सा पीछे का निकला हुआ, लेकिन जो दूध है उसके मामले में कोई कोई भैंस का तोड़ नहीं है। 30 किलो दूध तक भैंस ने घर पे सुखबीर भाई के यहाँ 30 किलो दूध तक गई है, और 29 किलो 318 ग्राम शायद अरे मुर्रा एसोसिएशन ने दूध रिकॉर्ड किया 4 टाइम की मिल्किंग में। तो ना तो इससे ज़्यादा दूध की कोई भैंस अभी तक रिकॉर्ड हुई है और बहुत ही शानदार। तो ये सरस्वती भैंस जिसका बहुत बार दूध रिकॉर्ड हुआ है इस ब्यात में, इस वीडियो में मैं दिखा सबसे लास्ट में रहा हूँ, लेकिन जो अडर की क्वालिटी देखिए आप, टाइट कितना जो अडर पैरों के बीच में फंसा हुआ है भैंस को, भैंस से चला भी नहीं जा रहा। तो ये जो सारी वीडियो हमने बनाई है वो मैं बता रहा हूँ कोई ब्याने से पहले की है, कोई ब्याने के बाद की है, लेकिन ये जो सरस्वती भैंस की वीडियो है ये दूध जब ये दे रही थी उस टाइम की वीडियो है, और लगभग हमने जो वीडियो बनाई वो टाइम था 3 से 4 बजे का, तो 2 घंटे 3 घंटे टाइम बाकी था दूध निकालने का। लेकिन जो अडर की साइज़ है वो देखिए आप, जो पैरों के बीच का और पीछे भी निकला हुआ अडर और जो चौड़ाई है अडर की, आप वीडियो में कम देख पा रहे होंगे लेकिन जब रियलिटी में आप इस भैंस को देखते, इसको चलते हुए देखते, इसके अडर का साइज़ देखते तो आप दंग रह जाते। लास्ट बट नॉट लीस्ट, भैंस सबके दिल को मोहने वाली और काफ़ी अच्छी भैंस सरस्वती, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे संभाल के रखा है भैंस को। काफ़ी एक ब्यात में जगराओं में CIRB में HLDB में मुर्रा एसोसिएशन में, और भाई की कोशिश थी पंजाब का जो नेशनल लाइफ स्टॉक कंपटीशन होता है, चैंपियनशिप होती है, वहाँ भी दूध रिकॉर्ड करवाने की, लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो एक ब्यात में बहुत ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है, बहुत ही बढ़िया बहुत शानदार भैंस जो इसके कटड़े कटड़ियाँ आएंगे इन फ्यूचर, वो भी नस्ल सुधार में काफ़ी योगदान देंगे इंडिया में। तो ये बहुत ही शानदार पशु मैंने आपको आज आपको दिखाए। मैं दोबारा कहूँगा कोई भी भैंस को हम पहले नंबर पे और लास्ट नंबर पे नहीं ले रहे हैं, सारी भैंसें एक से बढ़कर एक हैं और बहुत ही शानदार। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी सबसे फेवरेट भैंस यहाँ पे कौन सी थी और सबसे अच्छी भैंस आपको कौन सी लगी। तो दूध के मामले में भी और अडर के मामले में भी सारी जो क्वालिटीज़ हैं भैंसों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना आपकी सबसे फेवरेट भैंस कौन थी। मैं कोशिश करूँगा आपके व्यूज़ लेने की कि आपको कौन सी सबसे अच्छी भैंस लगी, और जितने भी भाई देश विदेश से हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, बहुत सारे मैसेजेज आते हैं हमारे पास में, और जो हमारे इस महाद्वीप के जो भाई हैं जो अरबियन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में और ऑल ओवर इंडिया जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो बैठे हैं और हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, मैं सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, दिल से मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोबारा कहूँगा सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार।